अगला प्रश्न, प्रश्न 16, हमें फलन मिला है x माइनस एक बटा एक्स प्लस एक इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक। एक्स के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। समाकलन को हम i मान लेते हैं। माना i बराबर है इंटीग्रल x माइनस एक बटे एक्स प्लस एक इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक डीएक्स। अब इस दिए गए फलन को हमें आंशिक भिन्नों में वियोजित करना है। यहां करते हैं x माइनस एक बटे एक्स प्लस एक इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक। ये किस रूप में आंशिक भिन्नों में वियोजित होगा? a बटा तो हमको लेना होगा x प्लस एक प्लस, अब यहां x स्क्वायर आ रहा है तो ऊपर अब हमें क्या लेना है? bx प्लस c लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक यहां बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक। इस प्रकार से हमें आंशिक रूप में इस रूप में हमें आंशिक रूप में वियोजित करना है। एक्स माइनस एक किसके बराबर हो जाएगा? अंश की तुलना करेंगे तो एक्स माइनस एक बराबर हो गया ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस एक। एक्स स्क्वायर के पदों को एक साथ ले लें, एक्स के पदों को एक साथ ले लें और अचर पदों को एक साथ ले लें। तो एक्स स्क्वायर के पद कौन कौन से होंगे? ए, यहां से मुझे क्या मिलेगा? बी। एक्स के पदों को देखें, यहां तो मिलेगा ही नहीं, इधर देखें तो इधर तो आ गया बी प्लस सी। बी जब एक से गुणा होगा बी एक्स तो एक तो हमें मिल गया बी, जब सी एक्स से गुणा होगा तो एक हमें मिल गया सी। अचर पद कौन कौन से हैं? ए तो यहां से मिल गया, जब ए इस एक से गुणा हुआ तो ए आ गया, सी एक से गुणा होगा तो प्लस का सी। तुलना करें तो एक्स स्क्वायर का गुणा यहां है नहीं, इसलिए ए प्लस बी बराबर जीरो होगा। पहला समीकरण, एक्स के गुणांक देखें तो बी प्लस सी, इधर तो बी प्लस सी है, यहां कितना है? एक। तो बी प्लस सी बराबर एक। ए प्लस सी अचर पद है, ए प्लस सी यहां है, माइनस एक के बराबर है। इन तीन समीकरणों से हमें ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करें? मान ज्ञात करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों को जोड़ दें तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 0। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है। हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड के सारे जोड़ दिए, राइट हैंड साइड के सारे जोड़ दिए। तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी किसके? 0 के बराबर है। 1 माइनस 1 0 हो गया, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है। अब a प्लस बी 0 के बराबर, ये तो हमें इस समीकरण से मिल रहा है, तो c बराबर 0 हो गया। एक मान तो आया इससे, c बराबर है 0 क्योंकि a प्लस बी 0 के बराबर है। b प्लस सी, देखो b प्लस सी 1 के बराबर है तो a बराबर कितना हो गया? माइनस 1। a बराबर हो गया माइनस 1। उन्हें a प्लस सी माइनस 1 है तो यहां हम लिख दें माइनस एक प्लस बी 0 के बराबर है, जो हमें क्या देता है? जो हमें देता है बी बराबर है 1। तो बी का मान हमारा आया 1। ये हमने ए बी सी के मान प्राप्त कर लिए। अब हम इसको यहां लिख देते हैं। तो देखो ए तो हमारा है माइनस 1, इंटीग्रल माइनस बाहर ले लूं 1 बटा एक्स प्लस 1 डीएक्स, ये हमें मिला। b हमारा है 1 और c 0 है तो x आ जाएगा यहां प्लस x बटा x स्क्वायर प्लस 1 dx। इस प्रकार से हमें मिलता है c हमारा है 0, यहां a तो हमने प्रयोग में ले लिया है, b है 1 तो x बटे x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये हमारा दूसरा समाकलन हुआ। इसका तो पहले समाकलन का मान हो गया माइनस लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस एक,
यहां दूसरे में देखें, जब मैं इसका अवकलन करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर टी लेने पर इसका अवकलन करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, दो एक्स डी एक्स बराबर डी टी ऐसा मिल जाएगा। अर्थात एक्स डी एक्स मुझे एक बटा दो डी टी मिलता है और एक्स डी एक्स यहां दिख रहा है, तो ये समाकलन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल। ये समाकलन कितना हो जाएगा, एक बटा दो डी टी बटे टी। इस प्रकार से हो गया, जो किसके बराबर होता है, जो होता है एक बटा दो लॉग मॉडुलस टी, और टी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन है। अर्थात ये मान कितना हो गया, एक बटा दो लॉग मॉडुलस टी अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस सी। सी समाकलन का अचर है, सी समाकलन का अचर है। अब देखो ये पावर है, ये जो एक बटा दो है ये गुणा में आ रहा है, तो यदि मैं लॉग के नियम से इसको इधर ले जाऊं तो ये पावर बन जाएगी। लॉग का नियम देखते हैं, देखो लॉग का नियम यहां लिख लेते हैं, हमारा लॉग का नियम है कि लॉग एम की पावर एन टू द बेस ए, एन लॉग एम टू द बेस ए होता है। अब यहां एक बटा दो लिखा है तो ये इसकी पावर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक की पावर एक बटा दो अर्थात अंडर रूट, तो ये कितना हो गया, माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस एक प्लस लॉग, ये कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस सी। ऐसा आ गया ना, पावर इसकी एक बटा दो बन गई, तो एक बटा दो पावर का मतलब अंडर रूट। अब ये है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम अपॉन एन के रूप हो गया। सूत्र क्या है, लॉग एम टू द बेस ए माइनस लॉग एन टू द बेस ए लॉग एम अपॉन एन टू द बेस ए के बराबर होता है। तो ये तो हो गया एम, ये हो गया एन, ये माइनस में है, तो दिस अपॉन एक्स प्लस वन आएगा, अर्थात ये हो गया लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा मॉडुलस एक्स प्लस एक प्लस सी। ये हमारा आई का मान होगा, इसलिए दिए गए जो फलन है उसका समाकलन लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा मॉडुलस एक्स प्लस वन प्लस सी के बराबर है।